हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। एंड गाइस, अगर आप लोग DSSSB के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर आप लोग सिर्फ वीडियो ना देखें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम DSSSB की 13/20 एग्जाम से रिलेटेड एक एक इंपॉर्टेंट चीज जो भी है डिस्कस करेंगे, चाहे आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ एग्जाम कब तक हो सकता है, कितने बच्चों ने भरा है, कितने बच्चे एग्जाम देने पहुंच सकते हैं, एग्जाम के होने की कब तक पॉसिबिलिटी है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद अगर हम देखें तो जूनियर क्लर्क के एग्जाम में आप लोगों के 5 सेक्शन आएंगे, रीजनिंग, GS, क्वांट्स, इंग्लिश, हिंदी। इसका सीक्वेंस देख लो, इसी सीक्वेंस में आपका पेपर आएगा। आपका पेपर लॉक सिस्टम में चलता है DSSSB का। इसमें 40 नंबर का एक सेक्शन आता है, 200 नंबर मिला के 5 सेक्शन हो गए। 200 नंबर का पेपर आएगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। TCS आपका एग्जाम लेगा। लॉक सिस्टम का मतलब ये होगा कि एक बार अगर आपने रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आपके सामने पहले आएंगे, आपने वो 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, देन आपको ऑप्शन आएगा आगे बढ़ने का। लेकिन उससे पहले अगर आपने यस बोल दिया कि हाँ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप दोबारा रीजनिंग के पहले 20 क्वेश्चंस में नहीं पहुंच सकते, वो लॉक हो जाएंगे। फिर आप रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आप यस करेंगे, तो आप GS के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे और दोबारा आप लोग पीछे नहीं जा सकते। इसीलिए DSSSB के एग्जाम में एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों काफी मैटर करता है। SSC में ऐसा नहीं होता। बात करते हैं आप लोगों की इस वीडियो में कि एग्जाम की डेट ऑलमोस्ट क्या रह सकती है। गाइस देखिए, अक्टूबर का जो कैलेंडर है वो रिलीज करा गया था कुछ दिन पहले, 17 तारीख तक। आज DSSSB ने अपना 21, 22, 23 और 24 का कैलेंडर रिलीज करा है। आप देख रहे हैं SSC हो या DSSSB, दोनों इतनी बदनाम हो चुकी है कि एग्जाम टाइम पे नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने बहुत चालाकी के साथ एग्जाम की डेट्स देनी शुरू करी है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, जितने एग्जाम वो निपटा सकते हैं, जितने एग्जाम वो करवा सकते हैं, वो उतने ही एग्जाम की डेट दे रहे हैं अपनी साइड से। वो पूरा कैलेंडर रिलीज ही नहीं कर रहे हैं ताकि कल को वो एग्जाम ना ले पाए, उनसे नहीं हो पा रहा है हैंडल, तो उनकी फिर से बदनामी ना हो जो कि पहले से वो कराते आए हैं। ऊपर से DSSSB पे हाईकोर्ट का काफी ज्यादा प्रेशर है कि उसे 2020 और 21 दोनों के एग्जाम टाइमली 2021 खत्म होने से पहले कंप्लीट भी कराने हैं 2020 के, तो उसके ऊपर अल्टीमेट प्रेशर चल रहा है। ठीक है, RTI रिप्लाई की एक बार आपके साथ डिस्कशन कर लूं तो UR से आप लोगों के 1,40,300 क्या कहते हैं 65 बच्चों ने ये फॉर्म भरा है। ठीक है, आपके OBC से 46,958 ने भरा है, ST से आपके 71,127 ने भरा है, ST से आप लोगों के 17,779 ने भरा है। OBC से अभी आप लोगों को ज्यादा दिख रहे हैं, एक बार पेपर होने दो, OBC के स्किल टेस्ट में उसी को बुलाएंगे जो दिल्ली का OBC है, वहीं पे अपने आप छटाई हो जाएगी और OBC की कट ऑफ इसलिए कम जाती है। 2021 से जो फॉर्म भरवाए गए हैं उसमें DSSSB ने ये रूल रखा हुआ है कि जो भी SC ST दिल्ली से होंगे, जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का SC और ST का वो होगा सर्टिफिकेट, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा SC ST में भी। तो ये काफी अच्छी बात है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें काफी अच्छी मतलब होता है ना, कट ऑफ में ड्रॉप दिखने को मिल सकता है। लेकिन जूनियर क्लर्क में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये वैकेंसी पहले ही निकाल दी गई थी। टॉकिंग अबाउट इसके एग्जाम्स की डेट्स के बारे में, गाइस अभी नवंबर का जो शेड्यूल है वो जारी होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं जूनियर क्लर्क का एग्जाम और आप लोगों का जो कि 99/20 का एग्जाम है वो जरूर होगा। ठीक है, हम लोग यही उम्मीद लगा सकते हैं जल्द से जल्द आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, बिकॉज 2020 की मोस्ट वांटेड वैकेंसी में एक है आपकी 13/20 की वैकेंसी। एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और कुछ अगर आप लोगों का छूट गया हो तो। हाँ चलो, एक बार आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ का डिस्कस कर लूं। ये बहुत साल पहले की कट ऑफ है और ये स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ थी। ठीक है, ये फाइनल नहीं है, अभी तक फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, ये काफी पुरानी कट ऑफ है, मतलब क्योंकि इसके बाद अभी जूनियर क्लर्क का पेपर अब हो रहा है, इसीलिए 2020 में निकाली गई थी वैकेंसी। तो UR की आप देख सकते हो 138.2, OBC 126, SC 128, ST 105, PH 67, PH 61, आप ये देख सकते हो। ठीक है, मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों को DSSSB में एज ऐसा है कि बहुत लोग DSSSB के एग्जाम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, बट अगर आप करेंगे तो आपके लिए फायदा तो जरूर होने ही वाला है। ठीक है, मैं यही कहूंगी, आपका सिलेबस एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, सिलेबस में गाइज रीजनिंग का, GS का, क्वांट्स का, इंग्लिश का सारा सिलेबस आप लोगों का SSC से मिलता जुलता है। क्वांट्स में सिर्फ अरिथमेटिक आता है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में आप लोगों का पर्यायवाची हो गया, लिंग बदलो, वचन बदलो, संधि, तत्सम, तद्भव, आपके गद्यांश, पद्यांश,
वाक्यांश, ये सब कुछ आता है। ल्यूसेंट की बुक आती है, आप लोग यूज कर सकते हैं हिंदी के लिए। बहुत ही ऐसा एक मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम में से एक है ये एग्जाम, इसका वेट बहुत लोगों को है। आपको जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ ये नहीं कि वीडियोस देखने से कि कब एग्जाम होगा कब एग्जाम होगा, सिर्फ एग्जाम में बैठ के आना चाहते हो तो आप एक सीट ही वेस्ट कर रहे हो। इससे बेटर तो ये है कि पढ़ाई करके सीट ले लीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को, हाँ, बुक्स अरिहंत की, अरिहंत की ना प्रीवियस ईयर की एक बुक आती है DSSB के लिए, बट मैंने सुना है कि उसके अंदर प्रीवियस ईयर नहीं है, मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का मतलब वो वाले ऑनलाइन नहीं, मॉक टेस्ट मतलब सिर्फ सेट पेपर दे रखे हैं। उससे बेटर आप टेस्ट बुक का मॉक ले सकते हैं। टेस्ट बुक एक ऐसी एजेंसी है जो आप लोगों को मात्र 500 रुपए में SSC के, DSSS के, टीचिंग के, डिफेंस के, जो एग्जाम आप पूछ लो वो एग्जाम आपको 500 रुपए में मॉक प्रोवाइड करती है। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अगर आप फ्री के टेस्ट बुक के मॉक डाउन कर चुके हो यूज और आप पेड लेना चाहते हो कि अब हमें और एक्सेस चाहिए, कभी भी पुराने वाले अकाउंट से मत लेना, कभी भी किसी का भी कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा, ये टेस्ट बुक की पॉलिसी है। जब भी मॉक खरीदना चाहते हो न्यू GMAIL ID न्यू फोन नंबर से साइन अप करो, ठीक है। उसके बाद इसके पास सेक्शन पर जाके अल्टीमेटली बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अगर DSSB की तैयारी कर रहे हो तो लाइफ टाइम मॉक लेने में ही फायदा है। बहुत सारे एग्जाम्स होंगे और आने वाले एग्जाम भी आप देने ही वाले हो। 500 रुपए का दिख रहा है बट स्टिल अप्लाई कूपन में यूज करना कोड RPURVL, इंस्टेंटली बहुत बढ़िया डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं यही कहूंगी DSSB के लिए ऑनलाइन मॉक ही बेस्ट है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए जो बाकियों को नहीं आता। मिलता है बहुत सारी वीडियोज में, तब तक अपना ध्यान रखें। उम्मीद है कि मैंने बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों के आंसर कर दिए। एग्जाम नवंबर तक डेफिनेटली हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएं और अपना ध्यान रखें।